मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे लिए भी जरूरी है और जो इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, ठीक है, कि वाई सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस क्यों पढ़ते हैं, सी प्लस प्लस किस तरीके की एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए यूज में आएगी, ये सारी बातें हम करेंगे। ये मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है और मोर देन 50,000 स्टूडेंट गॉट प्लेस्ड जिनको मैंने पढ़ाया है और टॉप एमएनसीज में प्लेस्ड है। सो डोंट वरी, नेक्स्ट नंबर आपका ही है। What is procedure and object oriented programming language? So which is the best editor to learn C++? जो कि बहुत important concept है, समझिए आप कि यदि आप किसी language पे programming कर रहे हैं, so you should know what is function and how the language supports the function. Call by value, call by reference का मतलब क्या है? Default argument in function का मतलब क्या होता है? Function overloading क्या होती है? Function versus method, the most important question of interview. File handling, exception handling, STL, Standard Template Library. One of the most important part of C++ की what is STL, how to use STL, standard template libraries क्या होती हैं, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इस फ्री कोर्स में, विच इज द मोस्ट अवेटेड कोर्स। काफी टाइम से आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सी प्लस प्लस का कोर्स कब से स्टार्ट होगा, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज सी प्लस प्लस के इस फ्री कोर्स से, राइट। लेकिन सबसे पहले स्टेप में हम यहां पर यह बात करेंगे कि इस पूरे कोर्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं। सेकेंड बात ये हम करेंगे कि जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें कंपनी, इंडस्ट्री और हमारे कोर्स के गैप को हम कैसे कवर करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा टारगेट क्या है कि हमें इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद फर्दर डेवलपमेंट के लिए यूज करना है, राइट। तो बिलीव मी, ट्रस्ट मी, लास्ट 20 इयर्स से मैं ये कोर्स पढ़ा रहा हूं, दिस इज माय श्योरिटी टू यू कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स नो वन कैन बीट यू, ठीक है। किसी भी कंपनी के इंटरव्यू को बड़ी आसानी से आप क्रैक कर सकते हैं, ये मेरी श्योरिटी है। बस एक कमिटमेंट जो मैं आपसे चाहता हूं कि आप रेगुलर इस कोर्स को पढ़ें, ठीक है, लास्ट तक इस कोर्स को पढ़ें, बने रहें इस कोर्स में, क्योंकि अप एंड डाउन्स आएंगे। कई बार कुछ चीजें हमारे हिसाब से इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन हमें लगता है कि यार ये तो बड़ा सिंपल सा टॉपिक है और हम सिंपल के कारण उसको स्किप कर देते हैं। हो सकता है आप में से किसी ने प्रीवियस कोई लैंग्वेज पढ़ी है, लेकिन आप बिल्कुल माइंडसेट मत बनाइए कि मैंने प्रीवियसली सी पढ़ा है या मैंने पाइथन पढ़ी है तो मेरे लिए सी प्लस प्लस आसान है। आसान है, टफ है, ये सारा इस कोर्स को पढ़ने के बाद हमें समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन ये मेरी श्योरिटी है कि यदि आप इस कोर्स में शुरुआत से लेकर एंड तक हर एक टॉपिक को कवर करते हैं तो नो कंपनी, नथिंग विल स्टॉप यू, ठीक है। हर कंपनी के इंटरव्यू के लिए हम रेडी होंगे, हर कंपनी के इंटरव्यू के अलावा हम सी प्लस प्लस में एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए भी रेडी होंगे। ये मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है और मोर देन 50,000 स्टूडेंट गॉट प्लेस्ड जिनको मैंने पढ़ाया है और टॉप एमएनसीज में प्लेस्ड है। सो डोंट वरी, नेक्स्ट नंबर आपका ही है, लेकिन बस आपको इस कोर्स में बने रहना है। तो चलिए सबसे पहली स्टेप में हमें यह बात करनी है कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं इस कोर्स में, क्या क्या टॉपिक हम कवर करने वाले हैं इस कोर्स में। तो सबसे पहली शुरुआत होगी हमारी, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे लिए भी जरूरी है और जो इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, ठीक है, कि वाई सी प्लस प्लस क्यों पढ़े ये लैंग्वेज, व्हेन देयर आर लॉट ऑफ लैंग्वेजेस आर अवेलेबल, सी है, पाइथन है, ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ लैंग्वेजेस आर अवेलेबल, देन वाई वी शुड गो फॉर सी प्लस प्लस, क्यों पढ़ना है ये लैंग्वेज हमें, ठीक है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कि यदि हम कोई नई टेक्नोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन हम यही डिस्कस करेंगे कि क्यों हमें सी प्लस प्लस पढ़ना है। ओके, एक बार वाई के कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे तो फिर सेकेंड कॉन्सेप्ट आता है, व्हाट इज सी प्लस प्लस, ये है क्या, हाउ वी कैन डिफाइन सी प्लस प्लस, व्हाट इज द नीड ऑफ दिस लैंग्वेज इन द मार्केट। ठीक है, हम बोलते हैं सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो अभी आगे हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है, when already C is there, so what is the difference between C and C++? अगर आपने C पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पढ़ा है तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहां पर हम बिल्कुल स्टार्टिंग से C++ की बात करेंगे। कोई प्री रिक्विजिशन C की रिक्वायरमेंट हमें नहीं है, राइट। अगर आपने पढ़ी है देन इट इज ओके, क्योंकि आगे हम बात करेंगे कि C++ एक्चुअली C के ही आगे उप्स के कॉन्सेप्ट को लेके डेवलप हुई लैंग्वेज है, ठीक। लेकिन हम यहां पे C++ को बिल्कुल बिगिनिंग से शुरू करेंगे, हम कोई प्री रिक्विजिशन लैंग्वेज सी की रिक्वायरमेंट नहीं चाह रहे हैं यहां पे, ठीक है। तो ये भी एक टेंशन खत्म है उन स्टूडेंट्स के लिए, खासकर जिन्होंने सी नहीं पढ़ा है। ओके, देन फाइनली वी विल टॉक अबाउट हाउ टू लर्न इट, व्हाई, व्हाट एंड हाउ। ये मैं हमेशा बोलता हूं आपसे कि जब भी कोई नई लैंग्वेज पढ़ना शुरू करें सबसे पहले इन तीन टॉपिक्स पे बात करें, WWH, WWF नहीं है, WWH, व्हाट, व्हाई एंड हाउ, क्यों पढ़ना है,
कैसे पढ़ना है ये बात की बात है, क्या है और कैसे पढ़ना है। जनरली हम क्या करते हैं, सी प्लस प्लस पढ़ना शुरू कर देते हैं। कई बार मैंने इंटरव्यूज लिए हैं, स्टूडेंट को यही नहीं पता कि उन्होंने लैंग्वेज पढ़ी क्यों है। उनको आती है, दे नो दैट, लेकिन ये क्यों पढ़ी उसका रीजन ही नहीं पता है। व्हाई दिस लैंग्वेज एग्जिस्ट इन द मार्केट। ठीक है, कई लोग बोलते हैं कि सर इट इज अ फंडामेंटल लैंग्वेज, ये बेस लैंग्वेज है, ये सीखेंगे तो जावा पढ़ेंगे, ये सीखेंगे तो पाइथन समझ में आएगी। अरे बॉस, सी प्लस प्लस आपको जावा सिखाने के लिए नहीं आई है, सी प्लस प्लस आपको पाइथन सिखाने के लिए नहीं आई है, सी प्लस प्लस आपको एडवांस टेक्नोलॉजी सिखाने के लिए मार्केट में नहीं आई है। इट इज नॉट अ लैंग्वेज विच इज एग्जिस्ट इन द मार्केट टू फॉर जावा एंड फॉर पाइथन एंड फॉर फर्दर लैंग्वेजेस। इसका अपना एक एग्जिस्टेंस है, इसकी अपनी एक नीड है कि क्यों मार्केट सी प्लस प्लस को यूज करे, किस तरीके की एप्लीकेशन हम सी प्लस प्लस में डेवलप कर सकते हैं। जैसा जावा की बात करें, पाइथन की बात करें, तो हम बिल्कुल मानते हैं कि पाइथन हम पढ़ते हैं क्योंकि हमें एआई मशीन लर्निंग में जाना है, जावा हम पढ़ते हैं क्योंकि हमें वेब डेवलपमेंट और मोबाइल डेवलपमेंट में जाना है, तो फिर सी प्लस प्लस क्यों पढ़ते हैं, सी प्लस प्लस किस तरीके की एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए यूज में आएगी। ये सारी बातें हम करेंगे इसी को तीन टॉपिक में, व्हाई व्हाट एंड हाउ। ठीक है, ये हमारे बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होंगे, और उसके बाद फिर हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे कि बॉस व्हाट इज प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्योंकि आज जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो दो में से किसी एक कैटेगरी को बिलोंग करती है, या तो वो प्रोसीजर ओरिएंटेड है, या वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, या वो दोनों है, दैट इज ऑल्सो देयर। तो सी प्लस प्लस इनमें से किस कैटेगरी में आएगा, ये प्रोसीजर ओरिएंटेड है या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। लेकिन उसके पहले यह समझना पड़ेगा कि प्रोसीजर ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में डिफरेंस क्या होता है। तो पहले इसके बारे में हम बात करेंगे कि प्रोसीजर ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस होती क्या है, और सी प्लस प्लस इसमें किस कैटेगरी को बिलोंग करता है। तो आई होप कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे हैं। अभी तो थोड़े से और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की हम बात करने वाले हैं, फिर उसके बाद हम आएंगे कि बॉस विच इज द बेस्ट एडिटर, मल्टीपल एडिटर्स हम देखेंगे। एडिटर मतलब जहां पर हम सी प्लस प्लस का कोड लिखने वाले हैं। सो देयर आर लॉट्स ऑफ एडिटर अवेलेबल। हम सी प्लस प्लस का कोड टर्बो सी प्लस प्लस में लिख सकते हैं, हम सी प्लस प्लस का कोड आंसी सी प्लस प्लस के एडिटर में लिख सकते हैं, हम इसको वीएस कोड में लिख सकते हैं, हम इसको नेटबीन्स में लिख सकते हैं। सो विच इज द बेस्ट एडिटर टू लर्न सी प्लस प्लस। ठीक है, कौन से एडिटर को हम यूज करेंगे, उसका इंस्टॉलेशन किस तरीके से करेंगे, हम सी प्लस प्लस के लिए वीएस कोड को यूज करेंगे। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको टर्बो सी प्लस प्लस में भी बताऊंगा, कुछ हम नेटबीन्स में भी देखेंगे, लेकिन हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा, जो पूरा कॉन्सेप्ट हम जो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखने वाले हैं, वो हम वीएस कोड को यूज करके देखेंगे। तो वीएस कोड को किस तरीके से इंस्टॉल करना है सी प्लस प्लस के लिए, ये सारी बातें हम करेंगे इस टॉपिक में, एडिटर्स ऑफ सी प्लस प्लस। ठीक है, देन आफ्टर हम बात करेंगे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ अ प्रोग्रामिंग, कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अगर आप सीखने, चाहे वो सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, पाइथन है, उसके अपने कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। लाइक आइडेंटिफायर क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट क्या होते हैं, डेटा टाइप क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, लूपिंग स्टेटमेंट क्या होती है। यहां तक हर लैंग्वेज के अपने कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। ये ऐसे कॉन्सेप्ट है जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लॉजिक बिल्डअप के लिए आपको पढ़ने होते हैं। क्योंकि जब तक आप देखिए लैंग्वेज अगर आप सीख रहे हैं और जब तक आपको लॉजिक क्रिएशन नहीं आएगा, हाउ यू कैन डू द प्रोग्रामिंग इन दैट लैंग्वेज। तो लॉजिक इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से होगा, ठीक है, डेटा टाइप क्या होते हैं, क्योंकि हर लैंग्वेज कहीं ना कहीं डेटा को यूज करती है, तो डेटा टाइप क्या होते हैं, लूप किस तरीके से लगाए जाते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट क्या होते हैं। और ये आप समझिए, ये केवल सी प्लस प्लस नहीं, ये हर लैंग्वेज के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। मोस्टली आप जावा पढ़ेंगे तो भी आपको यह पढ़ना है, आप सी पढ़ेंगे तो भी आपको यह पढ़ना है, अगर आप पाइथन पढ़ेंगे तो भी आपको यह पढ़ना है, क्योंकि ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं। और यदि एक बार अगर आपने इसको सी प्लस प्लस में बहुत अच्छे से समझ लिया, तो फ्यूचर लैंग्वेजेस में मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट आप एज इट इज यूज कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको अंडरलाइन किया हुआ, द रीजन व्हाई सी प्लस प्लस एग्जिस्ट इन द मार्केट, जो हम बात करने वाले हैं कि सी प्लस प्लस इज बेसिकली एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो आएंगे, डोंट वरी, डोंट टेक एनी टेंशन अबाउट दिस, ओके। लेकिन जब हम किसी भी लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की कैटेगरी में रखते हैं, तो वहां सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है क्लास और ऑब्जेक्ट की, क्योंकि वो लैंग्वेज जो है वो क्लासेस और ऑब्जेक्ट पर बेस्ड होती है। तो सी प्लस प्लस बिना क्लास और ऑब्जेक्ट के किस तरीके से कोडिंग करेगी, और विद क्लास और ऑब्जेक्ट किस तरीके से कोडिंग करेगी, यहां से हमारा कॉन्सेप्ट शुरू होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस। ठीक है, कि हाउ टू डेवलप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। ठीक, यहां पर हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस के बारे में। लेकिन उसके पहले, अगर हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आना है, तो उसके पहले
हम टॉपिक एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे सी प्लस प्लस का, और वो है फंक्शंस। हालांकि इसमें बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से रिलेटेड है, बट दीज आर द फंक्शन कॉन्सेप्ट, कि फंक्शंस क्या होते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। समझिए आप कि यदि आप किसी लैंग्वेज पे प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो यू शुड नो व्हाट इज फंक्शन एंड हाउ द लैंग्वेज सपोर्ट द फंक्शन। ठीक है, फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, सब हम बात करेंगे इस टॉपिक में। वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, फ्रेंड फंक्शन क्या होता है, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस का मतलब क्या है, डिफॉल्ट आर्गुमेंट इन फंक्शन का मतलब क्या होता है, फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है, फंक्शन वर्सेज मैथड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इंटरव्यू, फंक्शन और मैथड में क्या डिफरेंस होता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक में। और ये तो मैंने अभी केवल इंट्रोडक्टरी पार्ट लिखा है, लेकिन जब इसमें डीप डाइव लगाएंगे हम तो बहुत मोती मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस लैंग्वेज में बहुत ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनको पढ़ के, जिसको मैं बोलता हूं ना, लिटरली मजा आ जाता है। दीज आर द कॉन्सेप्ट गिवन बाय दिस लैंग्वेज। यदि आप प्रोग्रामिंग के लिए डेस्परेट हैं, अगर आप, जिसको हम बोले प्रोग्रामिंग के लिए पागल हैं अगर आप, तो यहां ये लैंग्वेज आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। बिलीव मी, वन ऑफ माय फेवरेट लैंग्वेज इज C++। और इसमें इतने कॉन्सेप्ट है, हर कंपनी के इंटरव्यू क्वेश्चंस है हमारे पास, डोंट वरी। TCS क्या, IBM क्या, Microsoft, Google, Amazon, सारी कंपनी C++ में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछने वाली है, ये सब कुछ भी हम डिस्कस करेंगे। बस आपको बने रहना है, बार बार मैं आपको बोल रहा हूं, कंसिस्टेंसी रखना है आपको, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इन कॉन्सेप्ट की हम बात करने वाले हैं। देन आफ्टर हम आएंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जब शुरू होगा उसके बाद जाके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्पीड पकड़ेगी। ठीक है, हालांकि नो डाउट इसके पहले भी जो हम पढ़ेंगे वो भी फुल स्पीड से ही पढ़ेंगे, फुल नॉलेज के साथ पढ़ेंगे और बहुत सारे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। लेकिन द रीजन why C++ exists इन द मार्केट, एंड दैट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इज अ रिलेशन, हैज अ रिलेशन, इनहेरिटेंस, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, ये सारे पहले कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम बात करेंगे क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होती है, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, ये सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट है। डोंट वरी अबाउट दिस, सब कुछ बहुत अच्छे से समझेंगे। आज आपको ये सारे वर्ड नए लग रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब इन वर्ड्स के साथ आप खेलोगे, और ये मेरी श्योरिटी है, ये मेरी गारंटी है आपके साथ कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के साथ लिटरली वी आर प्लेइंग विद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट इन C++। ठीक है, और कोई हम अतिशोक्ति बात नहीं कर रहे हैं, कोई हम हवा में बात नहीं कर रहे हैं, ये रियलिटी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, बस बिलीव मी, राइट। इसके बाद हम बात करेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में, कि व्हाट इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग, जो कि पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट है। देन आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट इनहेरिटेंस, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस क्या होते हैं, सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, मल्टीपल, हाइब्रिड, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, किस तरीके से इनहेरिटेंस को लेके प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंटेशन होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, देन वी विल कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, टेम्पलेट्स इन C++। C++ में टेम्पलेट्स क्या होते हैं, ठीक है, टेम्पलेट्स के कॉन्सेप्ट की हम बात करेंगे। देन आफ्टर वी विल टॉक अबाउट फाइल हैंडलिंग कॉन्सेप्ट इन C++, कि फाइल क्या होती है, किस तरीके से हम C++ में फाइल को यूज करके एप्लीकेशन डेवलप करेंगे, जो कि C++ प्रोजेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के टॉपिक के बारे में, व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग, एक्सेप्शंस क्या होते हैं, किस तरीके से एक्सेप्शंस हैंडल होते हैं, रन टाइम एरर क्या होती है, इन सारे कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, एक टॉपिक जो मैं थोड़ा सा यहां पे मिस कर गया, मैं इसको फिर से वापस आके हम बात करते हैं, पॉइंटर्स। ठीक है, कि यहां पर हम बात करेंगे पॉइंटर्स के बारे में, फंक्शंस के भी पहले हम डिस्कस करेंगे पॉइंटर्स क्या होता है। ठीक है, पॉइंटर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगेन पॉइंटर्स, टाइप ऑफ पॉइंटर्स क्या होते हैं। ठीक है, क्योंकि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की जब बात होगी सो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे पॉइंटर्स। ठीक, यहां पर मैंने आपको कहा ना कि दिस आर द टॉपिक, हम कोई भी स्किप नहीं करेंगे। हो सकता है यहां लिखने में कुछ टॉपिक एक दो मिस हो गए, लेकिन जब सीक्वेंस बनेगी तो ऑटोमेटिकली वो टॉपिक कवर होंगे, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है कि इसके बाद ये नेक्स्ट टॉपिक, इसके बाद ये नेक्स्ट टॉपिक है। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट। फाइल हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग, STL, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ C++, की व्हाट इज STL, हाउ टू यूज STL, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरीज क्या होती हैं, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे।
ठीक है, देन वी टॉक अबाउट डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। ये देखिए, फिर मैंने कहा ना टॉपिक से टॉपिक याद आते हैं, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन ये एक टॉपिक है जो हम बात करेंगे। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, हाउ टू अलोकेट डायनेमिक मेमोरी इन C++, ठीक है, न्यू क्या होता है, डिलीट क्या होता है, ये इस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है। ठीक है, देन वी टॉक अबाउट गेम डेवलपमेंट इन C++, यूजिंग C++ की कैसे आप कोई गेमिंग एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं C++ को लेके, छोटे छोटे से गेम्स हम लोग डिजाइन करेंगे। लेकिन यहां तक पहुंचने के पहले आपको इन सारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। जितनी एप्लीकेशन, जितने प्रोग्राम में आपको बनाने वाला हूं, उन सारे प्रोग्राम्स को आपको बनाना पड़ेगा। जितने असाइनमेंट में आपको दूंगा, उन असाइनमेंट्स को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, सो वो दिन भी आएगा जब हम C++ में गेम डेवलपमेंट बड़ी आसानी से डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन आफ्टर हम डिजाइन करेंगे प्रोजेक्ट। एटलीस्ट 4 से 5 प्रोजेक्ट हम बनाने वाले हैं C++ में। ठीक है, और इसके बाद फाइनली हम बात करेंगे इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में, जो कि हमारा सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, जहां पर हम ये बात करेंगे टॉप, और इसके बाद मुझे इंटरव्यू क्वेश्चंस, केवल आपको क्वेश्चंस बताने हैं, आंसर तो आप ही मुझे बताओगे। ये भी मेरी श्योरिटी है कि टॉप एमएनसीज जो है वो किस तरीके के इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछती है और किस तरीके के इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहां पर हमारे पास कंप्लीट सीरीज है TCS की, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एमेजॉन, ठीक है, कि जहां पर C++ को लेके C++ में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके बारे में हम लोग फाइनली बात करने वाले हैं। तो ये एक कोर्स ओवरव्यू था जो मैं आपके सामने लेके आया हूं कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं इस पूरे कोर्स में। ठीक है, कुछ एक दो टॉपिक अगर स्मॉल टॉपिक से मिस भी हो गए हैं, राइट, लाइक गो टू स्टेटमेंट क्या होता है वो भी हम बात करेंगे। ठीक है, कीवर्ड्स क्या होते हैं ये भी हम बात करेंगे, बहुत छोटे छोटे से टॉपिक से, लेकिन जब हम कवर करेंगे तो सारी चीजें कवर करेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस। ठीक है, ये एक ओवरव्यू था कि क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है हम C++ में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया और क्या पढ़ना है ये आपको समझ में आया है। तो बने रहिए इस कोर्स में, शुरुआत करेंगे हम C++ में सबसे पहले कॉन्सेप्ट के साथ, एंड दैट इज व्हाट, वाई C++। यहां से हमारी शुरुआत होगी और उसके बाद फिर तो फिर गाड़ी चलती रहेगी और सीधे कंपनी में जाके रुकेगी फिर। ओके, तो ये था कॉन्सेप्ट जो मैं आप जो भी मैंने आपके सामने डिस्कस किया, द डिस्क्रिप्शन अबाउट द कोर्स, द ओवरव्यू अबाउट द कोर्स। ठीक है, तो चलिए मुलाकात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और शुरुआत करते हैं C++ के साथ। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और यदि वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करिए और बने रहिए इस कोर्स में और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि बहुत शानदार लैंग्वेज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं मुलाकात, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।